नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे स्विट्जरलैंड से आपको ले चल रही हूँ स्विट्जरलैंड की महज़ीन वादियों में। तो आशा है आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे होंगे। तो आज हम देखे हैं कहाँ जाते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारा जाने का प्लान है माउंट एटलस। मौसम भी कुछ ठीक है, कल बारिश हुई थी जिस वजह से हम नहीं जा पाए, पर आज हम माउंट एटलस जाने का पूरा प्लान बना रहे हैं। तो इस समय हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे ब्रेकफास्ट लाउंज में, और उसके बाद हम निकलेंगे। अभी हम निकल गए हैं माउंट एटलस के लिए, और हमारा ये जो सफ़र है प्रारंभ हो चुका है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, देखिए झील के किनारे बसा हुआ शहर, और झील से गुजरते हुए ये हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। और कितने सुंदर दृश्य हैं, कितनी सुंदर वादियां हैं कि दिल बहुत ही गदगद हो जा रहा है। मैं तो आपको जो भी देख रहे हैं ये कहूँगी कि जब भी आप अगर आपका फॉरेन जाने का प्लान हो, तो आप अगर यूरोप घूम रहे हो तो स्विट्जरलैंड की वादियों में ज़रूर आइए और यहाँ की खूबसूरती को ज़रूर निहारिए। हर ओर ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, माउंट आल्प्स हैं, और इतना खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। जगह जगह मकान बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा एरिया ही दिखाई देता है, तो दिल बड़ा ही खुश हो जाता है। तो इस तरह हम देखिए हरी भरी वादियों में घूम रहे हैं और इन वादियों का, खूबसूरत वादियों का आनंद ले रहे हैं। हमारा बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र है, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी परीलोक में आ गए हैं। तो ये देखिए ट्रेन भी इतनी खूब, यहाँ की अच्छी सुविधाजनक हैं। अब हम पहुँच गए हैं एंजलबर्ग, और एंजलबर्ग के स्टेशन में जहाँ से हम केबल कार के टिकट खरीदेंगे, वहाँ हम उस एरिया में पहुँच गए हैं। ये बस से होते हुए हम टिकट स्टैंड तक जाएंगे जहाँ पर हमें टिकट्स प्राप्त होंगे केबल कार के। देखिए पूरी बस खचाखच भरी हुई है स्कीइंग करने वालों से। ये हम उतर गए हैं स्टेशन पर, और हमारे साथ ही स्कीइंग करने वाले मेंबर्स भी उतरे हैं। ये वहाँ पर स्कीइंग करेंगे, हम इनको देखेंगे और हम पूरे टिटलिस माउंट का और वहाँ की बर्फीली वादियों का आनंद लेंगे। ये देखिए हम जा रहे हैं और हमारे ये साथी भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये हम लाइन में लग गए हैं, अब हम केबल कार से ऊपर की ओर जा रहे हैं। नीचे का व्यू देखिए, बस ट्रॉलियां खाली आ रही है क्यों आ रही है? मैं स्टैंड पे उतरना है लेने के लिए लोगों को। तो आदमी नहीं आ रहे किसी को? ये स्क्रीन का वहां से क्या बढ़िया स्कीइंग कर रहे हैं। ट्रेन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम रोटेटिंग वाला जो केबल है वो पकड़ेंगे। पहुंच गए हैं टिटलिस के टॉप पर, और हम यहाँ से जा रहे हैं ग्लेशियर केव। ग्लेशियर केव में आ गए हैं। ये ग्लेशियर्स को काट काट के ये बर्फ से ये बनाए गए हैं। यहाँ स्लिपरी है, ये देखिए ग्लेशियर केव बर्फ की बनी हुई। Really amazing. ये देखिए हैं माउंट एटलस के टॉप पर, और यहाँ देखिए लोगों की भीड़ है। और ये यहाँ पर DDLJ पॉइंट भी है, एक दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। माउंट एटलस 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये माउंट एटलस से
नीचे का व्यू है। यहाँ हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही है, एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है। टिटलिस पर धूप आ गई है, बर्फ गिरना बंद हो गया है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसकी आनंदमय अनुभूति लेकर हम वापस लौट रहे हैं। पहुंच गए हैं स्टैंड पर जहां से हम फिर केबल कार लेंगे। यहाँ स्केट्स रखे हैं और ये लोग इससे स्केटिंग कर रहे हैं। आइसक्रीम मैं थोड़ा टाइम लेस बता सकता हूँ। ये मेरी पकड़ कर लो, किसे चल जाएगा, चल सोच देता हूँ, निकाल दो। ये हम लौट रहे हैं एंजल बर्ग की तरफ को, केबल ये ऊपर आने वाली केबल्स हैं और ये नीचे जाने वाली केबल्स हैं। नीचे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ है स्कीइंग करने वालों से। पूरे रास्ते पर इसको कैसे वहां से वो आएगा, सिटी का भी आएगा। नहीं ये स्केटिंग दिख रही ना है, ये स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। बड़ा ये खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। माउंट टिटलिस देख करके तो मन गदगद हो। ये हम नीचे एंजलबर्ग की ओर उतरते हुए, एंजलबर्ग सिटी दिखाई दे रहा है यहाँ से और एंजलबर्ग की लेक दिखाई दे रही है और ये हैं आल्प्स। तरह हमारा आज का खूबसूरत सफ़र समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।